रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। 3 महीने से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद भी युद्ध विराम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा भुगत रही है यूक्रेन की जनता और दोनों देशों के हलाक हो रहे सैनिकों के परिवार। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रबोध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश तबाही सिर्फ तबाही। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ नए हथियारों का इस्तेमाल परीक्षण करने के लिए कर रहा है, जबकि इन हथियारों पर अभी भी शोध चल रहा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ताज़ा जानकारी में डोनेस्टक ओब्लास्ट के लुहानसक में रूसी हमलों में 5 नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक रूसी ड्रोन ने सोमवार को सूमी ओब्लास्ट में गोला बारूद गिराए। इस हमले में 1 नागरिक की जान चली गई थी, जबकि 2 जख्मी हो गए थे। इसके अलावा लुहांस्क के लिसिचांस्क में गोलाबारी के दौरान 2 यूक्रेनी पत्रकारों को भी जान चली गई थी। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सिविरोडोनेस्क को जाने वाले सभी पुल तबाह कर दिए। ऐसे में सिविरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिक वहीं फंस गए। उनके वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि लुहांस्क के गवर्नर सेरही गैदाई ने कहा था कि सिविरोडोनेस्क के अधिकांश इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। लड़ाई सड़कों पर न होकर एक एक इमारत पर कब्जे के लिए हो रही थी। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ये युद्ध दोनों देशों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कई आवश्यक चीजों की किल्लत दोनों देशों में होने लगी है। यूक्रेन में ईंधन की तेजी से कमी हो रही है, इसलिए जेलेंस्की की सरकार ने कोयला, गैस, तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं युद्ध का असर यूक्रेन में फसल की पैदावार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल यूक्रेन ने 86 मिलियन टन फसल पैदा की थी, जो इस साल घटकर 48.5 मिलियन टन हो सकती है। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड ईस्ट ने दावा किया है कि बीते दिन उसने 48 रूसी सैनिकों को मार डाला है। इसके अलावा 1 मानव रहित हवाई वाहन, 2 आर्टिलरी ट्रैक्टर, 1 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, 2 मोर्टार और 1 सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए हैं। वहीं यूक्रेनी जांचकर्ताओं ने बीते सोमवार को कीव के पास एक जंगल में अस्थायी कब्रों से 7 शव निकाले थे। पुलिस का कहना था कि वे सभी आम नागरिक थे, जिन्हें रूसी सेना ने इलाके पर कब्जा करने के दौरान मार डाला था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। उनके अनुसार यूक्रेन ने खेरनान ओब्लास्ट के कुछ हिस्सों को भी रूस से आजाद करा दिया था। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया था कि उसने इजियम के पास रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। यूक्रेन की 93वीं मशीनीकृत ब्रिगेड के अनुसार खार्किव ओब्लास्ट में यूक्रेनी सेना ने सुली हिबका और गोवेनके के गांवों के करीब कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी हेलीकॉप्टर को गिराया था। रूसी अखबार ने दावा किया था कि 33 यूक्रेन वॉलंटियर ड्राइवरों को रूस ने 2 महीने से बंदी बना रखा है। ड्राइवरों के परिवारों से बातचीत के आधार पर अखबार ने दावा किया कि रूस ने ड्राइवरों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है। वो उन्हें 10 से 15 साल के लिए कैद में रखना चाहता है।
रूसी सेना ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के शहर सिवेरोदोनेत्स्क को देश के अन्य शहरों से जोड़ने वाले नदी के पुल को रूसी सेना ने उड़ा दिया था। इसके साथ ही देश से निकलने वाले लोगों के लिए जो एकमात्र रास्ता था वो भी खत्म हो गया था। ये जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने रविवार 12 जून को दी थी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास पर कब्जे के लिए सिवेरोदोनेत्स्क जंग का मुख्य केंद्र बन गया था। 24 फरवरी से यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद से शहर के अनेक हिस्सों के हालात खराब हो चुके हैं। इसी क्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रात में ही जारी किए एक वीडियो संदेश में कहा था कि कब्जा करने वालों का मुख्य मकसद बदला लेना है। वो सिवेरोदोनेत्स्क में दबाव बना रहे हैं, यहाँ भीषण युद्ध जारी है। रूसी सेना डोनबास में रिजर्व सैन्य बल को तैनात करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध के बीच रूस ने ऑयल बेचकर तगड़ी कमाई की। यूरोपीय संघ ने सबसे ज़्यादा रूस से जीवाश्म ईंधन का आयात किया, जिसके बाद चीन ने भी रूस से तेल का इम्पोर्ट बढ़ा दिया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ये लड़ाई कब थमेगी किसी को नहीं पता। लेकिन इस युद्ध के बीच रूस ने ऑयल बेचकर तगड़ी कमाई की है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन से चल रही लड़ाई के बीच 100 दिनों में रूस ने जीवाश्म ईंधन के निर्यात से $98 बिलियन कमाए हैं। यूरोपीय संघ ने सबसे अधिक रूस से जीवाश्म ईंधन का आयात किया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छिड़ने के चलते रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, इसके बावजूद रूस ने ईंधन के निर्यात में बेहतरीन कमाई की है। फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ अधिक मात्रा में रूस से तेल के निर्यात को रोकने पर सहमत हुआ था। हालांकि यूरोपीय यूनियन रूस से ईंधन पर सबसे ज्यादा निर्भर है, लेकिन इस ब्लॉग ने 2022 में रूस से गैस के निर्यात को 2/3 कम करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के पहले 100 दिनों के दौरान यूरोपीय संघ ने रूस के जीवाश्म ईंधन निर्यात का 61% हिस्सा खरीदा था। इसकी कीमत लगभग €57 बिलियन है। यूरोपीय यूनियन के बाद रूस से चीन ने सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन खरीदा है। चीन ने €12.6 बिलियन, जर्मनी ने €12.1 बिलियन और इटली ने €7.8 बिलियन की कीमत के ईंधन खरीदे हैं। रूस जीवाश्म ईंधन से पहले €46 बिलियन की कमाई करता था। इसके बाद गैस पाइपलाइन, तेल उत्पाद, एलएनजी और कोयले के आयात से कमाई करता था। कई कंपनियों ने रूस से निर्यात बंद कर दिया, लेकिन चीन, भारत, यूएई और फ्रांस जैसे कुछ देशों ने रूस से अपनी खरीदारी बढ़ा दी। फ्रांस ने दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार बनने के लिए अपने आयात में वृद्धि की है। यूरोप ने क्रूड ऑयल भी सबसे अधिक खरीदा। यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने क्रूड आयरन पर छूट देने का ऐलान किया था। इसका भी सबसे अधिक फायदा यूरोपीय देशों को ही मिला। रूस ने कहा था कि वो क्रूड ऑयल की बिक्री ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले 30% के कम भाव से करेगा। यूरोपीय संघ अपने इम्पोर्ट तेल का 27% हिस्सा रूस से प्राप्त करता है। युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप रूस के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने भारत को खुशखबरी दी है। इससे चीन पाकिस्तान की चिंता बढ़ेगी। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की आपूर्ति पिछले साल दिसंबर में शुरू की थी, जबकि दूसरी रेजिमेंट की आपूर्ति अप्रैल में शुरू हुई थी। इस मिसाइल सिस्टम को इस तरह से तैनात किया गया है कि ये उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ लगी सीमा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगी सीमा को भी कवर कर सकता है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपो ने जानकारी देते हुए बताया था कि यूक्रेन से युद्ध के बावजूद रूस भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी समय पर करेगा। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रूस द्वारा भारत को तय समय के मुताबिक S-400 सिस्टम की डिलीवरी अच्छी तरह से हो रही है। रूस के राजदूत का यह बयान ऐसे वक्त पर आया था जब ये चिंता जताई जा रही थी
कि यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के चलते रूस द्वारा भारत में सप्लाई होने वाले सैन्य उपकरण की आपूर्ति में देरी हो सकती है। अलीपोव ने कहा था कि S-400 प्रणाली की आपूर्ति तय कार्यक्रम के मुताबिक अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। दुनिया के सबसे विस्तृत सहयोगी में रूस भारत राजदूत ने भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें साल होने के मौके पर रशिया डाइजेस्ट पत्रिका में लिखी एक प्रस्तावना में ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आज का रूस भारत सहयोग दुनिया के सबसे विस्तृत सहयोगों में से एक है। अलीपोव ने प्रस्तावना में कहा था कि रूस और भारत उन प्रमुख पहल को सफलतापूर्वक लागू करना जारी रखे हुए हैं जो सहयोग को अद्वितीय बनाते हैं। इससे पहले रूस ने मार्च में कहा था कि उसके खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। हालांकि तमाम दबाव के बावजूद भारत यूक्रेन रूस के मामले में तटस्थता की भूमिका में रहा। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील की थी। भारत ने उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाने की धमकी को दरकिनार कर यह समझौता किया था। और यहां वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे युद्ध का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को क्या नुकसान हुआ है। सारथी देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। महाभारत में कर्ण के पास ऐसा कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अब रूस ने ऐसा ही महाकवच भारत को दिया है। इसके आने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत देश के हवाई सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाएगी। इस महाकवच का नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसकी पहली खेप पंजाब में तैनात की जा चुकी है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो रही है। पाकिस्तान और चीन युद्ध करने या हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है। कुछ महीनों पहले अलमाज आंते के डिप्टी सीईओ बियाचे सलवाओ जिरकान ने कहा था कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी कंपनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप तय समय पर साल 2021 के अंत तक भारत को दे देगी। जिरकान ने बताया था कि भारतीय मिलिट्री के अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है जो S-400 मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। इस मिसाइल को चलाने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों की 2 खेप ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे लगता है कि भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। We'll be right back.
S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं बल्कि महाकवच है। इसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन कांपने लगता है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसके सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी दुम दबाकर भाग जाता है। इसके तैनात होने के बाद देश के दुश्मन आसमान से हमला करने से पहले सोचेंगे, वो घबराएंगे, क्योंकि इस महाकवच के सामने दुनिया का कोई भी बाहुबली हथियार काम नहीं करता। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत के इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था जिसकी लागत $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नज़र रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। ये मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। रूस ने साल 2020 से 24 तक भारत को एक एक कर ये मिसाइल सिस्टम देने की बात कही थी। S-400 एक बार में 172 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 का को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। S-400 मिसाइल भारत का अभेद्य कवच, -50 से 70 डिग्री तापमान में काम करने में सक्षम, इसे नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। इसकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। 100 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम, उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 सिस्टम का रडार अत्याधुनिक और ताकतवर है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है। इससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। ये मिसाइलें टारगेट को भेदने में माहिर होती हैं। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों को मारने में सक्षम, छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है, रडार में पकड़ में न आने वाले विमानों को भी मार गिराता है। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की थी। ये एस सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर लिया गया था। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली मिसाइल तैनात की। S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया। मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी दी गई। और यहाँ रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खाड़ी देशों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
की न्यूज खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए दशन का जश्न। राजश्री इलायची, दशन का जश्न। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को तेल का आयात करने वाला रूस दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले स्थान पर इराक है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इस बीच भारत जैसे कुछ एशियाई देश भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रहे हैं। इराक से भारत में तेल का सबसे अधिक निर्यात होता है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत की तेल रिफाइनरी भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रही है। दरअसल कई तरह के प्रतिबंधों के बीच रूस के तेल के खरीदार सीमित हो गए। यही वजह है कि भारत जैसे कुछ और देशों को काफ़ी छूट पर तेल मिल रहा है। भारतीय तेल रिफाइनरियों ने मई में रूस से लगभग 2.5 करोड़ बैरल तेल खरीदा। ये भारत के कुल तेल आयात का 16% से अधिक है। डेटा के मुताबिक भारत में समुद्र के रास्ते रूस से कच्चे तेल का आयात भी बढ़ा है। अप्रैल महीने में पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में रूस के तेल की हिस्सेदारी 5% रही। वहीं 2021 में और 2022 की पहली तिमाही में ये 1% से भी कम थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने के अपने फैसले का बचाव करता आया है। भारत के तेल मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि रूस से तेल की खरीद भारत के कुल तेल खपत की तुलना में कम है। मई में इराक से भारत को सबसे अधिक तेल का निर्यात किया गया। रूस के दूसरे पायदान पर आने के बाद अब सऊदी अरब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ऐसे समय में रूस के कच्चे तेल पर भारी छूट का फायदा उठा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत तेल का उपभोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में तेल का 85% से अधिक हिस्सा आयात होता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस के यूरल्स तेल के खरीदार कम ही बचे हैं। कई देशों और कंपनियों ने रूस के ऊर्जा उत्पादों को नहीं खरीदने का फैसला किया है, जिसकी वजह से रूस की तेल की कीमतें गिर गई हैं। इसी का फायदा भारत की तेल रिफाइनरीज ने उठाया और $30 प्रति बैरल तक की भारी छूट पर रूस का कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे पहले ढुलाई लागत अधिक होने से रूस से कच्चा तेल खरीदना भारतीय कंपनियों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रूस से जमकर क्रूड ऑयल की खरीदारी की है। सस्ते तेल की वजह से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने रूस की ओर रुख किया। हालांकि रूस से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर लागत बढ़ गई है। रूस यूक्रेन से छिड़ी जंग के बाद रूस ने अपने क्रूड ऑयल को ग्लोबल रेट के मुकाबले कम दर पर बेचने का ऐलान किया था। इसके बाद से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने तेल के आयात के लिए रूस की तरफ रुख किया था। लेकिन रूस से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर अधिक लागत की वजह से भारत की रिफाइनरियों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था।
हालांकि रूस का क्रूड ऑयल पहली बार अप्रैल में भारत के कुल तेल आयात का 5% हिस्सा बना था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से जमकर क्रूड ऑयल की खरीदारी की। मई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में 5वां हिस्सा रूस से आया था। व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद रूस ग्लोबल रेट से कम पर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि रिलायंस ने मई में प्रतिदिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जो अप्रैल के मुकाबले 9.1% अधिक था। मिडिल ईस्ट से रिलायंस ने अपने आयात को कम किया और ये 67% से घटकर अप्रैल में 61% रह गया। के नेतृत्व वाले CIS देशों के क्रूड ऑयल का निर्यात 13% से बढ़कर 23% हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि निजी रिफाइनरी ने मई में लगातार दूसरे महीने अमेरिकी तेल के इंपोर्ट से दूरी बनाए रखी। खबरों के मुताबिक रूस इस वक्त ग्लोबल रेट के मुकाबले 35% से कम रेट पर क्रूड ऑयल बेच रहा है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने मई में लगभग 2.5 करोड़ बैरल रूसी क्रूड ऑयल की खरीदारी की। ये भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का 16% है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। मई में भारत ने इराक से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किया। भारत की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरियों ने सस्ते क्रूड ऑयल की वजह से रूस का रुख किया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार तेजी से ऊपर जा रही थीं। भारत को रूस से क्रूड ऑयल का आयात महंगा पड़ रहा है, क्योंकि शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई। साथ ही कच्चे तेल का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने अपना मार्जिन कॉस्ट भी बढ़ा दिया। रूस का दबदबा। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक देश है। रूस 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रूस 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। 16 संप्रभु राष्ट्रों की सीमा से मिलता है। रूस की आबादी 145.4 मिलियन है। यूरोप का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर। सेंट पीटर्सबर्ग देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर। रूस के मध्ययुगीन राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। 988 में इसने बीजान्टिन साम्राज्य से रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपनाया। 8वीं शताब्दी तक इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य रहा। रूस ने साम्राज्यवादी नीति और विलय के माध्यम से विस्तार किया। रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का सबसे प्रमुख घटक बना। दुनिया का पहला संवैधानिक रूप से समाजवादी राज्य था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बाद खुद को रूसी संघ के रूप में पुनर्गठित किया। व्लादिमीर पुतिन 2000 से रूस की राजनीतिक व्यवस्था पर हावी हैं। रूस मानव विकास सूचकांक में 52वें स्थान पर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था नॉमिनल GDP के हिसाब से 11वें स्थान पर है। PPP के हिसाब से 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस एक मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश है। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है।